to go. Cause I am happy on this island. Wanna be my fun land. I don't ever want to leave. दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश डेल्टा 2017 मॉडल, और इसमें जितना भी आप वर्क देख रहे हैं लाइक सीट कवर्स 70 मैट्स सब हमने करा हुआ है इसके अंदर, और आज हम करने जा रहे हैं इसमें सिस्टम अपग्रेड का काम। मैं संजीव करण स्मार्ट कार से, और आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश जिसके अंदर हम आज करेंगे कम्प्लीट डैम प्रूफ डिक्की और चारों डोर। तो हमने डोर कर लिया रिमूव, तो इसमें अभी डैम्पिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हैं गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी जो है हमारी, डैम्पिंग करने के बाद आपको फ़र्क दिखाएंगे हम कितना फ़र्क पड़ता है। और कंप्लीट हमारे चारों डोर डैम्प होंगे, और साथ में हम बूट भी इसका डैम्प करेंगे। और डैम्पिंग जो रहने वाली है अपनी ये सीटी के की है, सिल्वर सीरीज की सीटी के की है 1.8 mm, बहुत अच्छी डैम्पिंग है ये। भाइयों अपनी सीटी के की डैम्पिंग इंस्टॉल हो रही है, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये डैम्पिंग हमने पूरी सिंगल सीट में करी है, और कोई जॉइंट नहीं है, कोई टुकड़ों में हम डैम्पिंग नहीं करते। और डैम्पिंग करने की फिनिशिंग आप देख सकते हैं, बकायदा रोलर के साथ हम लोग डैम्पिंग कर रहे हैं, और अपना ये डबल लेयर डैम्पिंग हो रही है इनर एंड आउटर, और अंदर की साइड भी आप देख सकते हैं डैम्पिंग की फिनिशिंग। भाइयों जैसा कि आप देख सकते हैं डैम्पिंग अपनी हो चुकी कंप्लीट, और डैम्पिंग आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया फिनिशिंग में हमने करी है, 1.8 सिल्वर डैम्पिंग है, और इनर एंड आउटर दोनों लेयर हमने इसमें करी है। और साथ में आप देख सकते हैं इसमें हम ये फेरी का रेन गार्ड लगा रहे हैं, स्पीकरों को रेन सीजन में आपको सेफ रखते हैं, पानी बिल्कुल नहीं आएगा इसमें आपके डोर में ना स्पीकर हार्म होंगे, तो ये हम लोग फेरी का रेन गार्ड लगा रहे हैं इसके अंदर। तो RMS पावर की बात करें तो 60 वॉट नॉर्मल RMS पावर है, और 4 ohms के स्पीकर है, नॉर्मल बेसिक से स्पीकर है, बट साउंड क्वालिटी बहुत अच्छे है, जेन्युइन पायनियर के है, और पायनियर का आपको पता ही है सबसे बेस्ट स्पीकर है पायनियर के, अच्छे स्पीकर है, बेसिक से रेंज में अच्छे स्पीकर है पायनियर के। तो हम लोग ये इंस्टॉल करने जा रहे हैं पायनियर का, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर। और रियर डोर की बात करें तो रियर डोर में हम ये कोएक्सियल लगा रहे हैं JBL का, जो कि अपना 47 वॉट RMS पावर के है, और 350 वॉट पिक पावर के है। ये कोएक्सियल हम पीछे रियर डोर में इंस्टॉल करेंगे, और रियर डोर की आप देख सकते हैं डैम्पिंग कंप्लीट हो गई है, साथ में हमने ये रेन गार्ड के साथ इंस्टॉल करेंगे। सो भाइयों अपनी कंप्लीट हो चुकी है फिटिंग, तो आपको जैसे कि दिखाना चाहूँगा चारों डोर अपने कंप्लीट हो चुकी है, नीट एंड क्लीन पूरी फिटिंग हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं। और आपको फिर से मैं बताना चाहूँगा जो हमारे फ्रंट में हमने जो लगाया है वो हमारे पायनियर के 60 वॉट RMS के TS601 कंपोनेंट स्पीकर है, और आप ट्विटर की प्लेसमेंट देख सकते हैं, ट्विटर की प्लेसमेंट हमने यहाँ की है, और ये हमारे कंपोनेंट है। और रियर डोर की बात करें हम, रियर डोर में हमने ये JBL के 40 वॉट RMS के कोएक्सियल स्पीकर लगाए हैं, और बूट में भी प्रॉपर बूट हमने डैम करी है, डिक्की देख सकते हैं आप, इनर आउटर दोनों लेयर करी है इसमें। और कंप्लीट हमारी 10 शीट में कंप्लीट हो गई है चारों डोर, और प्लस अपनी डिक्की कंप्लीट 10 शीट्स में हमने कंप्लीट कर दी इसकी। और बात करें फ्रंट में, तो फ्रंट में हमने ये वाला एंड्रॉइड लगाया है, फिटिंग देख सकते हैं आप कंप्लीट।
एक बार मैं आपको आवाज़ भी चेक करा दूं। भाइयों फाइनल आपको आवाज़ की आउटपुट आपको चेक कराते हैं, तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है फिटिंग और आपको दिखाना चाहेंगे आउटपुट कैसे आ रही है। तो आउटपुट एक बार चेक करें। और इन सब को पावर करने के लिए हमने ये 4 चैनल का एम्प लगा रखा है, B12 का एम्प है, 7600 वाट मैक्सिमम पावर पिंक सीरीज का एम्प है, आप देख सकते हैं इन सब को पावर कर रहा है जो। साथ में हमने इसमें 2 TS20 भी लगा रखे है, पाइनियर के ओरिजिनल TS20 है जो कि अब आ नहीं रहे, ये दोनों हमने यहाँ इंस्टॉल कर रखा है। दूसरा हम वहाँ दिखा सकते हैं, देख सकते हैं जैसे कि आप। और सब बूफर की बात करें तो JBL का ये हमने 1200 वाट का की बेस ट्यूब लगा रखी है, ये बेस ट्यूब आप देख सकते हैं 1200 वाट की JBL की बेस ट्यूब है, कस्टम बॉक्स के साथ जो आता है, अलग सब बूफर लगा के हमने इंस्टॉल कर रखा है इसके अंदर।